जिंदगी की जंग में हर रोज एक नई लड़ाई है, लेकिन अगर आप धैर्य रखें, स्थिरता रखें और अपने टारगेट के प्रति उसी तरह जुझारू रूप से बढ़ते रहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच में अगर मस्तिष्क अपने ऊपर ही कंट्रोल खो बैठे तो क्या होगा? कुछ यही सिखाया है द्रौपदी मुर्मू ने, यानी कि दीदी ने अपने सारे बच्चों को, जो हर रोज इसी तरह से ध्यान लगाते हैं और अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए ध्यान में भी रखते हैं। मेडिटेशन करने से माइंड स्थिर रहता है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है और मतलब जो जो पढ़ाई करते हैं जो याद नहीं रहता है वो सब भी याद आ जाता है, और जिस टाइम हम लोग को भूल भी जाते हैं बाबा को बुलाते हैं तो वो याद करा देते हैं। किससे सीखा? ये हम लोग को दीदी से ही सीखे हैं। उन्होंने हम लोग को उनको मेडिटेशन करो और माइंड को स्थिर करो वो सब उन्होंने ही सिखाए हैं हम लोगों। कभी ऐसा लगता है कि आप आदिवासी होने की वजह से पीछे रह जाते हो या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? वो सब हम लोग को कुछ नहीं, मतलब वो तो अगले जमाने में था ना, इसीलिए हम लोग को कुछ नहीं लगता है। अब जैसे भी है वैसे अच्छा लग रहा है। दीदी से हम तो बहुत कुछ ऐसे सीखे हैं, जो भी वो आते हैं हमारे स्कूल में तो पहले तो वो नीट एंड क्लीन के बारे में सब पूछते हैं और पढ़ाई के बारे में और स्कूल के परिवेश को कैसे साफ सुथरा रखना है, झाड़ू पोछा लगाना है, उसके साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान भी देना है। और हमको लगता है कि दीदी हमारे अपने माँ जैसे ही हैं और हम सबका ख्याल रखते हैं, और हमको कभी फील नहीं हुआ है कि हम आदिवासी हैं और हम ऐसे नीचे वाले हैं, ऐसे हमको कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि दीदी हमको हमेशा कहते हैं कि कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, वो अपने मार्ग में आगे बहुत अच्छा से बढ़ सकता है अपने हिम्मत से, और वो जो चाहे वो अपने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, पढ़ाई में भी और अपने बिजनेस के क्षेत्रों में भी। दीदी के राष्ट्रपति बनने पर कैसा महसूस? तो हमको बहुत ही खुशी महसूस होती है कि आदिवासी महिलाएं हैं और देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो हमको बहुत बहुत खुशी होती है। एक दिन आदिवासियों का भी और ज़्यादातर उन्नति होगा, सभी जगह पर उसको चांस मिलेगा पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए।